लिखे। इनका कहना यह था तायर ग्यावी का कि मस्जिदों में ये दुरूद सलाम ये शोर है, हंगामा है, इनको हमारे दुरूद सलाम का शोर तो नजर आ गया मगर अपनी जमात का शोर नजर नहीं आया। आइए एक मैं बुड्ढे खूसड़ को दिखा रहा हूं आपको, जो जिंदा है मरा नहीं है, सब जिंदों को ही दिखा रहा हूं मैं। ये जिंदा है जिनका नाम पीर अमीन है, पाकिस्तान से सियालकोट के रहने वाले, हिंदुस्तान भी आते रहते हैं, हजारों की तादाद में देवबंदी से मुरीद है। पीर अमीन देवबंदी सियालकोटी, ये इज्तिमा लेते हैं, इज्तिमा में जिक्र करते हैं, हमारे यहां भी जिक्र होता है ना, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आप लोग गए होंगे तो देखा होगा अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता है, देखा है सुन्नी दावत इस्लामी। मगर आप ताज्जुब करेंगे, इनके अजीब गरीब जिक्र होता है यार। मैंने जब ये सुना तो मैं दंग रह गया, या अल्लाह ये कौन सा जिक्र ईजाद कर डाला इन्होंने। और ताहिर ग्यावी को, ये ताहिर ग्यावी गया, बिहार का शहर है गया, इसका भी ईमान गया, इसको अपने पीर नजर नहीं आए कि यार इसको दुरूदो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम इतने तरन्नुम में पढ़ते वो अच्छा नहीं लगा, या नबी सलाम वाले का इतने तरन्नुम में पढ़ते ये अच्छा नहीं लगा, पीर अमीन का ये कैसे हजम करके बैठे। आइए जरा पीर अमीन जिक्र कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है जरा सुन लीजिए। कोरा है या काला है ये देश मोहम्मद वाला है, ये सारे जग से निराला। आका जी का कुत्ता है गोरा है या काला, तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है, तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। समझ में आया कुछ नहीं? समझ में आया, सुनाता हूं, पहले मैं समझाता हूं फिर सुन लेना एक बार। और पीर अमीन साहब इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा में नात पड़ी जा रही है, काला है या गोरा है वो तो मोहम्मद वाला है भाई, जो काला है तो पीर अमीन साहब कहते हैं देवबंद के मौलवी, आका जी का सब कुत्ता है गोरा है या काला है, आका जी का कुत्ता है गोरा है या काला है, आका जी का कुत्ता है। आका जी के अजमत के सामने यानी रसुल्ला की शान अजमत के सामने हम कुछ भी नहीं है, हम तो कुत्ते हैं, तो आका रसुल्ला के कुत्ते बन के हऊ हऊ करो तो खूब भोंकते, भौ 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 पूरा मजमा भी भोंक रहा है। मैं ताहिर ग्यावी कोई भोंकना नजर नहीं आ रहा, आप सुन लीजिए फिर से। गोरा है या काला है ये देश मोहम्मद वाला है, ये सारे जग से निराला। आका जी का कुत्ता है गोरा है या काला, तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है, तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। बस आका है कोई देवबंद का सपूत, जरा इसका जवाब जवाज लाके साबित कर दे। हम चलो बड़े पूछते हैं साहब, मिलाद कहां से आया, नबी ने मनाया क्या, साहबा ने मनाया कि हऊ हऊ भो भो, ये कुत्ते साहबा ने किया क्या, ये इजमाई तौर पर ये कुत्ते बने फिर रहे हो तुम, ये किस हदीस में है भाई। अरे यार मैं कुछ बोलता हूं खुदा की कसम, ईमानदारी से बताओ यार, आज फैसला कर दो यार, ये बहुत मैं तंग आ गया हूं आप या पुलिस अलमदस से, ईमानदारी से बताओ, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलता हूं दिखाता हूं वही जुमले दोहराता हूं, किताब तुम्हारी होती है, जुमले तुम्हारे होते हैं, वीडियो तुम्हारी होती है, कैसेट तुम्हारी होती है, आखिरी में सिर्फ क्या करता हूं सवाल पूछता हूं, भाई ये सही है क्या, जायज है क्या, दुरुस्त है क्या, तो यार सवाल पूछना भी जुर्म है, तो ये अजीब मामला है।